बीकानेर में सीमा जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहीद वीरांगनाओं का सम्मान हुआ, तो साथ ही साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के संयोजक मनिंद्रजीत सिंह बिट्टा मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि धारा 370 हटाने के बाद देश में माहौल बदला है, भारत की स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। वहीं केंद्रीय मंत्री गगन सिंह शेखावत ने कहा कि वे सीमा जन कल्याण समिति के साथ काम कर चुके हैं। इस संगठन में वो ताकत है जिसने सीमावर्ती इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों के बाद शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति को लेकर किए गए सवाल पर गगन सिंह शेखावत ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आर्थिक मंदी वैश्विक स्तर पर थी, आज हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों नेताओं का फोकस राष्ट्रवाद पर ही रहा और दोनों ही वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तारीफ में कसीदे पढ़े।